दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में सबका चहेता सीरियल साथ निभाना साथिया अब एक बार फिर टीवी पर जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा, जिसके 30 सेकंड के टीजर के साथ साथ अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी के गोपी के किरदार ने भी दर्शकों को एक्साइटमेंट में बढ़ा दिया है। और अब देवोलीना भट्टाचार्जी जल्द ही गोपी बहू के किरदार में एक बार फिर नजर आने वाली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार इनका ये किरदार पहले से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी सीरियल साथ निभाना साथिया के सेकंड पार्ट की पहली पसंद नहीं है? जी हां, अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी से पहले गोपी बहू के किरदार के लिए टीवी इंडस्ट्री की कई दूसरी अभिनेत्रियों को अप्रोच किया गया था, लेकिन इन अभिनेत्रियों ने किसी न किसी वजह से इस रोल को करने से मना कर दिया। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने किया गोपी बहू के किरदार को निभाने से इनकार। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो एक्ट्रेस। नंबर एक, रश्मि देसाई। हाल ही में सीरियल नागिन 4 और दिल से दिल तक में नजर आई खूबसूरत अदाकारा रश्मि देसाई का नाम इस लिस्ट में सबसे टॉप पर शुमार है। जी हां, अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी से पहले अभिनेत्री रश्मि देसाई को गोपी के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन रश्मि देसाई को गोपी का ये किरदार कुछ खास पसंद नहीं आया और इसी की वजह से रश्मि ने इस किरदार को करने से मना कर दिया। नंबर दो, निया शर्मा। छोटे पर्दे की सबसे ज्यादा बोल्ड और हॉट एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार अभिनेत्री निया शर्मा भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक है जिन्हें गोपी बहू के जबरदस्त किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन निया शर्मा ने भी इस जबरदस्त भूमिका को निभाने से साफ इनकार कर दिया और इसके पीछे की वजह रही कि अभिनेत्री निया शर्मा जल्द ही रियलिटी शो बिग बॉस 14 का पार्ट बनने जा रही है, जिसकी वजह से निया शर्मा को इस किरदार के लिए मना करना पड़ा। नंबर तीन, जन्नत जुबैर। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल गोपी बहू के मुख्य किरदार के लिए खूबसूरत अदाकारा जन्नत जुबैर का नाम भी अप्रोच किया गया था, लेकिन अभिनेत्री जन्नत जुबैर ऐसे किसी भी सीरियल्स में काम नहीं करना चाहती थी जिसमें उन्हें सास बहू मेलोड्रामा जैसी भूमिका निभानी पड़े और इसलिए इन्होंने गोपी बहू के शानदार भूमिका को निभाने से साफ इनकार कर दिया। नंबर चार, सुरभि ज्योति। बेहद ही कम लोग जानते हैं कि सीरियल नागिन 4 और कबूल है में काम कर चुकी अभिनेत्री सुरभि ज्योति को भी गोपी बहू के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। हालांकि सुरभि ज्योति इस किरदार को निभाना तो चाहती थी, लेकिन इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस किरदार को निभाने से साफ मना कर दिया। नंबर पाँच, जिया मानिक। सीरियल साथ निभाना साथिया में मासूम गोपी की भूमिका निभाकर हर घर में प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री जिया मानिक को एक बार फिर साथ निभाना साथिया में गोपी बहू के किरदार के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन अभिनेत्री जिया मानिक ने भी अपनी इस यादगार भूमिका को एक बार फिर निभाने से साफ मना कर दिया और इसके पीछे की वजह ये रही कि अभिनेत्री जिया मानिक को जब इस किरदार के लिए अप्रोच किया गया था तो उस वक्त जिया मानिक सीरियल मनमोहिनी में गोपिका का किरदार निभाने में बिजी थी, जिसकी वजह से वो गोपी बहू के किरदार के लिए अपनी कंफर्मेशन नहीं दे पाई। तो दोस्तों, अगर सीरियल साथ निभाना साथिया 2 में अभिनेत्री सुरभि ज्योति गोपी बहू के किरदार में नजर आती तो क्या ये अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्जी को बराबर की टक्कर दे पाती या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।